बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के रेलवे रोड पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बहादुरगढ़ खंड की खंड स्तरीय कानूनी जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन में खंड के 40 स्कूलों के 225 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल प्राचार्य रमेश चंद्र सिहमार की देखरेख में आयोजित इस कॉम्पिटिशन में उपमंडल विधिक सेवाएं समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंपटीशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अनिल अहलावत ने बताया कि इस स्पर्धा के आयोजन निबंध लेखन में दीपिका राजपूत बाल भारती स्कूल ने प्रथम स्थान पाया। निशा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवीदा दूसरे और त्रिवेणी स्कूल की तपस्या ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पीपीटी में अंशी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा ने प्रथम स्थान पाया। हरदयाल पब्लिक स्कूल की खुशी ने दूसरा और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवीदा की अंजलि ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऑन द स्पॉट पेंटिंग में पीडीएम पब्लिक स्कूल के दीपक ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की संगीता दूसरे और एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल की श्रेया तीसरे स्थान पर रहे। डेक्लेमेशन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की मीनाक्षी प्रथम रही, दूसरा स्थान एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल की श्वेता और तीसरा स्थान बाल भारती पब्लिक स्कूल की कनिष्का को मिला। कविता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की खुशी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुलहेटा की राखी, एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल की ज्योति को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। स्लोगन लेखन में श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल की कल्पना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की प्रियंका, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माजरी की मनीकू को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की अन्नू ने बाजी मारी, दूसरा स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुभाना के दिनेश तथा एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल के जतिन तीसरे स्थान पर रहे। वाद विवाद में की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुलहेटा की टीम प्रथम रही, दूसरे स्थान पर डीएवी पब्लिक स्कूल तथा एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल तीसरे स्थान पर रहे। क्विज में पहला स्थान त्रिवेणी स्कूल की टीम प्रथम रही, एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल की टीम दूसरे स्थान पर रही, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बराही की टीम तीसरे स्थान पर रही। स्किप प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोलधा की टीम प्रथम रही, दूसरा स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुलहेटा की टीम को तथा तीसरा स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माजरी की टीम को मिला। समिति सदस्य सत्येंद्र दहिया ने सभी विजेताओं को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, आज यहाँ ब्लॉक लेवल लीगल लिटरेसी मिशन के तहत ब्लॉक लेवल का लीगल लिटरेसी का कम्पिटिशन हुए, जिसमें 10 कम्पिटिशन थे। उन कम्पिटिशन्स में जैसे स्लोगन राइटिंग हो गया हमारा, पेंटिंग हो गया, स्पीच है, एसे राइटिंग है, डिबेट है, पोएम रेसिटेशन है, स्किट है, क्विज है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, कम्पिटिशन्स हुए जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर, क्या उद्देश्य इसका? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है उसकी जो कुरीतियाँ हैं वो सामाजिक बुराइयाँ जड़ से ख़त्म हों, तो बच्चे इस स्तर पर तैयार हों कि हमारी आने वाली जनरेशन और अपने आस पड़ोस में ये बच्चे जाके बताएं कि ये सभी बुरी कुरीतियाँ हैं, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए और जो अच्छाई है और समाज को अच्छाई की तरफ हम ले गए। बच्चों को क्या जागरूकता अभियान के तहत हमने बताया? आज हमारा लीगल लिटरेसी मिशन का ब्लॉक लेवल का कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें 40 विद्यालयों के 225 छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। सभी 10 के 10 कंपटीशनों में बच्चों ने बड़ी रुचि दिखाई और उन्होंने अपने अधिकार और कर्तव्यों के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के प्रति भी अपने विचार व्यक्त किए, जो हमारा मिशन है जिसके तहत हम बच्चों को स्कूल लेवल से ही तैयार करते हैं। आज सभी बच्चों ने इसमें भाग लेकर अपना प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन बच्चों को आगे जिला स्तर पर जाने का मौका मिलेगा और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कितने बच्चे होंगे तकरीबन जो आज यहाँ पर? आज 225 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों के मिला के ही आज यहाँ पर इसमें उन्होंने भाग लिया है। आज जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में बताएं मैडम, क्या कार्यक्रम था? जी हाँ, आज ये लीगल लिटरेसी सेल ने जो कार्यक्रम किया है इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसमें हमारे बहुत से विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बच्चों का जो एक आंतरिक प्रतिभा है ना, उसको भी विकसित होने का मौका मिला। उन्होंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। कुछ लोग बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं। बच्चों ने ये भी
जब जिस तरीके की प्रतियोगिता हुई है उनमें उन्होंने खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की और बहुत खुश थे बच्चे आकर। जब वहाँ पर प्रश्नोत्तरी क्विज कॉम्पिटिशन था, उन्हें अपने संविधान से संबंधित प्रश्न भी मिले, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए, बाल विवाह प्रथा के बारे में बच्चों को प्रश्न पूछे गए थे, तो उनका उत्तर उन्हें आज उन्होंने जो दिया, बच्चों को कई बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मतलब कुल मिलाकर ये बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम मैडम, बच्चों को कैसे लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पर बच्चे आपको कैसे लगा? जी हमें भी बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि बच्चे और हमारे बच्चे भी एक नया एक माहौल मिलता है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना एक आती है और वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में आती है और वो आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए खुश होते हैं, बढ़ चढ़ कर खुश होकर वो हिस्सा लेना चाहते हैं। गर्ल्स स्कूल से हूँ, मेरा नाम सिंपल है। यहाँ लीगल लिटरेसी क्लब के तहत हम बच्चों को लेकर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा मंच है, कानून की जानकारी देता है, भारत का संविधान कैसे बना, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस मंच के जरिए हमारे बच्चों को आने वाले समय में जो कानून है, अधिकार है, नशा है, क्या क्या कानून के बारे में बताया गया यहाँ पे मैडम? हाँ जी, जैसे बाल विवाह है, मौलिक अधिकार है, भ्रूण हत्या है, ये एक तरह से हम इन बच्चों को बेसिक यहाँ पर कार्यक्रम किया गया लीगल लिटरेसी की तरफ से, तो क्या क्या समझाया गया इसमें और आपने किस तरह से? इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। दिस कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई लीगल लिटरेसी सेल एंड आई गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट एक्ट्स एंड आई पार्टिसिपेटेड इन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन एंड आई रोट अबाउट द एक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन। बेटियों को बचाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर बताया भी गया होगा आपको क्या क्या करने चाहिए, तो इस आप खुश हैं इस कार्यक्रम से, ऐसे होते रहने चाहिए? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस लीगल लिटरेसी कॉम्पिटिशन एज इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज टू अदर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस इन आवर सराउंडिंग्स।